एक गांव में गोपाल अपनी जलपरी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। फिर एक दिन एक समुद्री राक्षस उस जलपरी की तलाश में गांव पहुंच जाता है और उसकी जलपरी पत्नी को अपने साथ उठाकर नदी में ले जाता है। फिर दिन होने पर गोपाल अपनी पत्नी की तलाश में मीना के साथ नदी के किनारे जाता है। गोपाल वही जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। राधा तुम कहाँ चली गई? राधा राधा क्या तुम मुझे सुन सकती हो? राधा राधा मीना यही रुको, मैं अभी तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन पापा आप पानी के अंदर माँ को कैसे ढूंढोगे? आप ज्यादा देर तक पानी में सांस नहीं रोक पाओगे। आप मुझे जाने दो, मैं भी एक जलपरी हूँ, मैं बहुत आसानी से नदी के अंदर जा सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो राक्षस इसी नदी में है, मैं तुम्हें इस पानी में नहीं जाने दे सकता। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर गोपाल नदी के अंदर छलांग लगा देता है और पानी के अंदर जाकर राधा की तलाश करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांस फूल जाती है और उसे पानी के ऊपर आना पड़ता है। क्या हुआ पापा, आपको माँ के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, मैं ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकता। हो सकता है वो राक्षस तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा गहराइयों में ले गया हो। फिर गोपाल पानी से बाहर आ जाता है और रोने लगता है। तभी एक गांव वाला वहाँ आता है। देखो गोपाल, अब तुम्हारी पत्नी वापस नहीं आएगी। वो राक्षस अब तक उसे उठाकर पता नहीं कितनी गहराई में ले जा चुका होगा। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, अब तुम अपनी बेटी पर ध्यान दो। वो भी एक जलपरी है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या पता वो राक्षस तुम्हारी पत्नी की तरह तुम्हारी बेटी मीना को भी सूंघता हुआ यहाँ आ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो राक्षस मेरी पत्नी को तो ले गया, लेकिन मैं अपनी बेटी की सुरक्षा हर हाल में करूँगा। हाँ, चलो मीना, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, हमें अभी वापस घर जाना होगा। चलो चलो चलो। फिर गोपाल और मीना वापस अपने घर आ जाते हैं। मीना को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, इसलिए वो उसे पानी वाला हेलमेट पहना देता है। मीना, अब हमें सारी खिड़कियों को लकड़ी लगाकर मजबूती से बंद करना होगा। फिर इतना सोचकर गोपाल सारी खिड़कियों पर लकड़ियां लगा देता है। फिर रात होने पर पूरे गांव में अजीब अजीब सी गुर्राने की आवाज गूंजने लगती है। सब गांव वाले डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो उसी राक्षस के गुर्राने की आवाज है। लगता है उसे मीना के बारे में पता चल गया है। तभी वो राक्षस नदी से बाहर निकल आता है। ये जलपरी की खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ एक और जलपरी भी है, वो मुझसे नहीं बच सकती। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। फिर वो राक्षस पूरे गांव में गुर्राता हुआ उस जलपरी को ढूंढने लगता है। गोपाल मीना के शरीर पर तेल लगा देता है, जिससे कि वो राक्षस मीना की खुशबू ना सूंघ सके। फिर वो राक्षस हर घर की खिड़की से झांक झांक कर मीना की तलाश करने लगता है। ए गांव वालों, उस जलपरी को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें कल रात तक की मोहलत देता हूँ। उस जलपरी को खुद ब खुद मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। फिर इतना बोलकर वो राक्षस वापस नदी के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। अरे मर गए रे, मुझे तो लगा था ये राक्षस राधा को अपने साथ ले जाने के बाद इस गांव का पीछा छोड़ देगा, लेकिन नहीं, ये कमबख्त तो अब मीना के पीछे पड़ गया है। भाई मुझे तो लगता है हमें मीना को उस राक्षस के हवाले करना ही होगा, नहीं तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा।
अरे नहीं नहीं भाइयों, कैसी बातें कर रहे हो? तुम सब इतने बुजदिल हो क्या जो एक छोटी सी बच्ची को उस राक्षस के हवाले करना चाहते हो? हमें माफ कर दो गोपाल भाई, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, या तो तुम अपनी बेटी को साथ लेकर ये गांव छोड़कर चले जाओ, या फिर हमें मीना को उस राक्षस के हवाले करना ही होगा। फिर इतना बोलकर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। गोपाल को रात भर नींद नहीं आती। अगर हम ये गांव छोड़कर चले गए तो मैं कभी भी अपनी माँ से मिल नहीं पाऊंगी। पापा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर दिन होते ही किसी को बिना कुछ बताए घर से निकल जाती है और उसी नदी के पास पहुंच जाती है। अरे मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या, वो राक्षस तुम्हारी ही तलाश कर रहा है और तुम खुद यहाँ आ गई। मुझे अपनी माँ को बचाना है, इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी, तो मैं दे दूंगी। फिर इतना बोलकर मीना नदी में कूद जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में नदी में कूद गई। मुझे अभी जाकर गोपाल को ये बताना होगा। फिर वो गांव वाला सीधा गोपाल के घर की तरफ भागता है। उधर मीना नदी में जाते ही अपने जलपरी के रूप में आ जाती है और नदी के अंदर चली जाती है और अपनी माँ की तलाश करने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने पर उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वो राक्षस जरूर माँ को इसी गुफा के अंदर लेकर गया होगा। फिर मीना भी उस गुफा के अंदर जाने लगती है, तभी एक बड़ी मछली वहाँ आती है और उसे रोक लेती है। अरे नहीं, तुम ये कहाँ जा रही हो? क्या तुम नहीं जानती हो, ये उस समुद्री राक्षस की गुफा है। जो एक बार इस गुफा के अंदर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। मैं जानती हूँ, लेकिन वो राक्षस मेरी माँ को उठाकर ले गया है। मुझे हर हाल में अपनी माँ की जान बचानी है, इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, तो मैं दे दूंगी। मीना की ये बात सुनकर वो मछली भी हैरान रह जाती है और मीना उस गुफा के अंदर चल पड़ती है। वहाँ गुफा में बहुत सारे कंकाल पड़े हुए होते हैं, उन्हें देखकर वो डर जाती है। तभी थोड़ा आगे जाते ही उसे राधा एक पिंजरे में कैद दिखाई देती है। अपनी माँ को ठीक देख वो खुश हो जाती है। माँ आप ठीक तो हो? मेरी बेटी तुम आ गई? अरे नहीं, तुम यहाँ क्यों आई? तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, कहीं वो राक्षस आ गया तो वो तुम्हें भी कैद कर लेगा। माँ आप डरो नहीं, मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। फिर मीना उस पिंजरे की रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी बहुत मजबूत होती है। कोई फायदा नहीं है मीना, तुम ये रस्सियाँ नहीं तोड़ पाओगी, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मीना पलटती है और राधा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मीना को जाता देख राधा भी खुश हो जाती है। जाओ मेरी बेटी जाओ, अपनी जान बचाओ। फिर मीना गुफा से बाहर आकर मछलियों से मदद मांगती है। मछलियाँ भी छोटी सी लड़की की हिम्मत देखकर हैरान रह जाती हैं और उसकी मदद करने को तैयार हो जाती हैं। फिर मीना उन नुकीले दांत वाली मछलियों को अपने साथ लेकर गुफा के अंदर पहुंच जाती है। मीना को वापस आता देख राधा चौंक जाती है। अरे नहीं, ये मीना भी ना बहुत जिद्दी है। मीना तुम वापस क्यों आई? अरे माँ आपको क्या लगा मैं आपको यूं ही छोड़कर चली जाऊंगी? फिर वो सब मछलियाँ अपने नुकीले दांतों से उन सारी रस्सियों को काट देती हैं और राधा आजाद हो जाती है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सभी मछलियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। अरे नहीं, हे भगवान, ये तो उसी राक्षस की आवाज है, वो यहीं आसपास ही है। चलो मीना, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों तेजी से तैरते हुए गुफा से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ वो राक्षस गुफा में राधा को ना पाकर आग बबूला हो जाता है। नहीं छोड़ूंगा, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ सब गांव वाले भी नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। मीना तुम कहाँ हो? मीना मीना। तभी मीना राधा के साथ नदी के ऊपर आ जाती है। अरे राधा तुम जिंदा हो? मीना तुम ठीक तो हो ना? चलो चलो जल्दी से पानी से बाहर आओ, चलो जल्दी बाहर आओ। फिर वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों को सही सलामत देखकर गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी गांव वालों को डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे, लगता है इनके पीछे पीछे वो राक्षस भी आ रहा है। भाइयों मैं तो कहता हूँ अगर अपनी जान बचानी है तो इन दोनों जलपरियों को वापस पानी में फेंक देते हैं, नहीं तो वो राक्षस किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ विजय सही कह रहा है, इन दोनों की वजह से पूरे गांव पर आफत मंडरा रही है। चलो इन दोनों को उठाकर नदी में फेंक देते हैं,
चलो भाइयों, देर किस बात की, आगे बढ़ो। ये सुनकर राधा और मीना डर जाते हैं।